लास्ट नाइट से ही काफी बर्फबारी पड़ रही थी और सुबह तक कितनी होगी, और अभी भी जो है कंटिन्यूअसली पड़ रही है। ये वाले देवदारों के ऊपर जो पड़ी हुई बर्फ होती है ना, इतनी असम लगती। क्लियर दिख रहा है और कितना सही दिख रहा है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। 2023 की आज फर्स्ट स्नोफॉल पड़ी है यहाँ पे, दिखाते हैं आपको कुछ यहाँ के बेहतरीन दृश्य। हेलो, और ये रहे हमारे प्रिय छोटे छोटे गांववासी जो कि यहाँ से बर्फ उठा रहे हैं अभी सुबह सुबह ही। उठा के बताएंगे कैसे उठा रहे हो। ये राहुल जी हमारे बिल्कुल सुबह सुबह ही बर्फ उठा रहे हैं यहाँ से। वेरी गुड। और ये देखिए नीचे, ये बाकी वहीं सरसों के सारे खेत और ये पूरे दब गए बिल्कुल बर्फ़ से यहाँ से, और जहाँ तक दूर दूर तक नज़र पड़ सकती है वहाँ सभी जगह बर्फ़ पड़ी है ऐसे दूर दराज के एरियाज में भी, और नीचे नीचे तक नहीं पहुँची अभी, मगर होप है कि कुछ टाइम बाद पहुँच जाएगी वहाँ पर। और बाकी साइड तो आप देख ही सकते हो, और ये छत पर, और अब पहुँच गया हूँ मैं छत पर। और दिन की शुरुआत करते हैं एज यूजुअल हर बार की तरह चाय के साथ। लास्ट नाइट से ही काफ़ी बर्फबारी पड़ रही थी और सुबह तक कितनी होगी, और अभी भी जो है कंटिन्यूसली पड़ रही है, 100% ही आज तो फिर। और ये दूसरी जंगल साइड वाला एरिया, और ये मंदिर, और ये नीचे साइड का एरिया। आज कुछ नहीं दिखेगा, आज देखेगी सिर्फ बर्फ ही बर्फ। एंड गाइज, ये देखिए मतलब जो हमारे सरसों के खेत है और सरसों के जो फूल है वो किस तरह से हो गए ऐसे, ये देख सकते हो। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा खिल चुके थे, मगर अभी हैवी स्नोफॉल, हैवी तो क्या मतलब ठीक स्नोफॉल की वजह से कैसे हो गए ये। लोग सोच रहे होने कि मतलब बर्फ़ पड़ी है तो मतलब सभी लोग चिल करते होने घर में, नहीं, हमारे यहाँ मेहनती भी काफ़ी जोर है। जैसे ये हमारे कज़न जा रहे हैं आगे, रिंकू कुमार जी, जो कि देखिए खेतों में गोबर ढोने के लिए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लो एंड एज यूजुअल आप देख सकते हो कि मतलब कैसे बर्फबारी हो रही है। ये खेतों साइड देख सकते होने आप, इस साइड देख सकते होने, तो काफी लोग जो है हमसे लोकेशन पूछते रहते हैं कि मतलब ये बर्फबारी तो पड़ रही है मगर डलहौजी के किस रीजन में पड़ रही है। तो मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को कि ये पड़ रही है डलहौजी के तेल का एरियाज में, ये जो जितनी भी बर्फबारी पड़ रही है, ये आप जंगल की साइड भी देख सकते हो और इस साइड भी देखिए और उस साइड भी, जो कि कितनी बेहतरीन ही लग रही है ऐसे। और अगर हम अभी पैमाने पे नाप के दें कि बर्फ कितनी पड़ रही है, तो अभी ज़्यादा तो नहीं पड़ रही है, मगर होपफुली है कि आज का सारा दिन बर्फबारी पड़ेगी तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, अभी कोई यहीं हाफ फीट तक हो सकती है। तो गाइस थोड़ा सा इससे आगे जाते हैं और दिखाते हैं यहाँ के आगे की भी कुछ हसीन वादियाँ। तो भाई ये चल रही है हमारे साथ। अगर मैं स्नोफॉल के बेस्ट पार्ट की बात करूं, जो स्नोफॉल में मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, तो वो लगते हैं ये वाले देवदारों के ऊपर जो पड़ी हुई बर्फ होती है ना, इतनी असम लगती, इतनी बड़ी लगती ना। आप थोड़ा जूम करके देखेंगे इनको, तो मतलब देवदार किस तरह से ढके होते हैं। ये वाला पार्ट जो मेरा बेस्ट पार्ट है स्नोफॉल का अब तक का। इतनी देर पहले जो फॉग पड़ी थी, मगर अभी जो है धूप खिल गई है थोड़ी सी, तो मतलब आसपास साइड का क्लियर विजन दिख रहा थोड़ा। अभी अभी धूप खिली है, और अब बैक साइड का दृश्य दिखाते हैं आपको, जो कि सही दिख रहा है ऐसे इस साइड का, और आगे भी काफ़ी अच्छे अच्छे शॉट्स लेने वाले हैं हम अभी। ये वाली बात कर रहा था मैं, ये वाला व्यू देखिए मतलब कितना क्लियर दिख रहा है और कितना सही दिख रहा है। और ये सभी फॉग से गटे हुए थे अभी, मगर अभी खुल गए, और अभी भी सनराइज हुआ यहाँ पे। और ये नलके देख सकते हो ना, मतलब नलकों के ऊपर भी बर्फ कैसे पड़ी हुई है, अभी जाम हो गया होने, क्या पता पानी निकलता है या नहीं, अमेजिंगली निकले हैं। अरे मनोज कुमार जी नीचे बर्फ को फेंकते हुए, चिड़ियों को देखिए मतलब, और अभी सन निकल पड़ा है वहाँ पे, और उस वहाँ पे देखिए मतलब डिवाइन लाइट्स।
और अभी पुलिस यार देखा अपने, सभी गांव वालों ने अपने अपने टास्क जो है कंप्लीट कर लिए, जो भी बर्फ पड़ी थी यहाँ पे उनके कच्चे मकानों के ऊपर वो सारी उन्होंने नीचे फेंक दी है। तो अब मैं भी यहाँ पे थोड़ी सी बर्फ पड़ी हुई है हमारी गौशाला के ऊपर, उसे हम खाली करते, दिखाता हूँ आपको कहाँ जैसे करनी है खाली मुझे। मोस्टली जो घर होते हैं वो पक्के होते हैं और स्लेट्स के होते हैं मोस्टली, मगर जो गौशालाएं होती है वो कच्चे तरह से बनाई होती है और उसके ऊपर से बर्फ उठानी पड़ती है। जैसे ये मेरी गौशाला, इसके ऊपर भी से बर्फ उठाऊंगा सारी, ये जो दिख रही है अभी। और ये बर्फ उठाने के लिए जिसका हम उपयोग करेंगे, जिस इंस्ट्रूमेंट का, उसका नाम है ये आ गया, ये लकड़ी से बनाया हुआ है ऐसे एक लकड़ी का ये फट्टा जैसा होता है और उसको इस तरह से डिज़ाइन किया होता है। ये खैर बीच में से ये अभी टूट जैसा गया है, मगर इससे भी काम चला लेंगे हमें अभी। और इसको लोकल भाषा में यहाँ पे बोलते हैं कुरान, जैसे कुरान से बर्फ उठानी है सारी अभी। तो अभी उठा के बताता हूँ कैसे उठाएंगे इसके। आई कंप्लीट माई टास्क, जो पहले ऐसा दिख रहा था कुछ, उसको मैंने ऐसा कर दिया है इसकी मदद से। अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, अब चलते हैं कहीं और, कुछ और दिखते हैं, कुछ और दिखाते हैं आपको। बर्फ कंटिन्यूसली पड़ रही है, मगर इस बर्फ के बीच में जो कैसे चिल आउट कर रहे हैं हमारे साथी गण, आपको दिखाते थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, ये मस्ती सुझे सभी को। दिन के 2 होने को आ रहे हैं और मतलब बर्फ अभी कंटिन्यूसली पड़ रही है। हमारा प्लान बन रहा था कहीं जाने का, मगर अभी जा नहीं रहे क्योंकि कंटिन्यूसली स्नोफॉल हो रही है ऊपर से, देख सकते हो ना आप। बर्फ उठा ली थी मगर फिर से पड़ गई।